हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम बडी। मैं शांत थापा लेके आ गया हूँ आप लोग लिए 22 फरवरी 2020 की डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज, अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, 5G में भारत के लिए प्रासंगिक अनुप्रयोगों की पहचान करने और बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक कार्यक्रम शुरू किया, उसका क्या नाम है? ऑप्शंस हमारे पास हैं भारत और 5G, टेलीकोथॉन, 5G हैकाथॉन और एस्पायर 5G। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5G हैकाथॉन नाम का कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों इसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये स्टार्ट करा गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें दोस्तों 2.5 करोड़ रुपीज़ का प्राइस पूल रखा गया है। इसमें 5G को बढ़ावा देने के लिए, नए नए आइडियाज़ 5G से रिलेटेड उनको प्रमोट करने के लिए, और उनके भारत में किस तरीके से उनको प्रयोग किया जाए, उनको अप्लाई किया जाए, इसके लिए आइडियाज़ को गवर्नमेंट ने वेलकम करा, और जो भी अच्छे आइडियाज़ होंगे उनको इस 2.5 करोड़ के प्राइस पूल में से कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन चैटबॉट आस्क दिशा को अपग्रेड किया गया है, जो रेलवे ग्राहकों के साथ किस नई भाषा में बातचीत करेगा? आप यहाँ इनसाइट में देख सकते हैं, अगर आप लोग IRCTC की वेबसाइट खोलते हो या उसकी मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हो, तो आपको ऐसे आस्क दिशा करके एक लेडी की फिगर का चैटबॉट आता है, जिसको आप अगर क्लिक करें तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें इन्होंने एक भाषा, वो पहले से बात करती थी, अब उसमें एक और भाषा जोड़ दी है, तो वो कौन सी भाषा है दोस्तों? ऑप्शन हमारे पास है अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और उर्दू। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, हिंदी। अभी तक दोस्तों ये जो चैट बॉट था ये सिर्फ अंग्रेजी में बात करता था, पर अब ये हिंदी में भी बात करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस बॉट का नाम क्या है, आस्क दिशा बॉट का नाम है, और जो दूसरी नई भाषा है जिससे लोग इससे बातचीत कर पाएंगे, ग्राहक इससे बातचीत कर पाएंगे, वो है हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या डैश में किया जाना है? ऑप्शंस हमारे पास है बिहार, गुजरात, असम और उड़ीसा। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा में किया जाना है दोस्तों, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। यह खेल 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक करे जाएंगे, कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। इनका जो उद्घाटन होगा प्रतियोगिता का, ये कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करा जाएगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है कि इसमें कौन कौन से खेल होंगे, इनकी टोटल संख्या 17 है। मैं PDF को लिंक में दे दूंगा, आप उसको खोल के इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो ये इवेंट रखा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये किसके अंडर में रखा गया है दोस्तों? जो भारत सरकार का प्रोग्राम है, दैट खेलो इंडिया प्रोग्राम, इसके तहत रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंडर में दोस्तों इससे पहले और कौन कौन से इवेंट कराए गए हैं? इससे पहले दोस्तों खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कराया गया था, ठीक है, और उसके साथ साथ नेशनल यूथ गेम्स इन 2019 एंड 2020 भी कराया गया था। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर ये सारे के सारे जो भी इवेंट्स हैं ये कराए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी को दिल्ली कैंट में थल सेना भवन की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शंस हमारे पास है PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो जो उसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह जी ने रखी है आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन किसका दोस्तों? थल सेना भवन, ये भारत की जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसका नया हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। तो दोस्तों राजनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं, राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, और इसके साथ साथ ऑप्शंस में आप अमित शाह जी को भी देख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये हैं भारत के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग एंड रिसर्च के नए संस्थागत परिसर का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शंस हमारे पास हैं PM नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और स्मृति ईरानी। तो जो उसका सही आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये क्या है दोस्तों? ये हैं हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो ये उद्घाटन करेंगे किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग एंड रिसर्च में एक नया परिसर बनाया गया है, उसका ये उद्घाटन करेंगे कब? 22 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला समिति ने घोषणा की है कि भारत डैश AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो ये कौन से साल में करने वाला है दोस्तों भारत मेजबानी? ऑप्शंस हमारे पास है 2020, 2021, 2022 और 2023। तो जो उसका सही आंसर है वो है
ऑप्शन सी 2022, 2022 में मेजबानी करेगा भारत किसकी दोस्तों, एएफसी महिला एशियाई कप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग भविष्य सूचकांक WEFFI 2019 की सूची में भारत डैश रैंक पर है। इंडिया रैंक्स डैश इन वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स WEFFI 2019 लिस्ट। तो ऑप्शन हमारे पास है 23वां, 35वां, 46वां या 72वां। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 35वां। तो 2019 में जो रैंक जारी करी गई है, 2019 के लिए, उसमें भारत का 35वां स्थान है दोस्तों। इसमें भारत ने 5 स्थान की छलांग लगाई है। जी हाँ, 2018 की जो लिस्ट थी उसमें भारत का कौन सा स्थान था, 40वां स्थान था, जो कि अब बढ़कर इम्प्रूव कराया भारत ने। अब ये 5 पायदान की छलांग लगा के किस पे आ गया, 35वें नंबर पे आ गया है, 35th नंबर पे आ गया है। ठीक है, इसके साथ साथ चाइना और इंडोनेशिया ने भी इंडिया के साथ अपनी रैंक इंप्रूव करी है, पर यूएस, रशिया और यूके जैसे देश हैं ये, इसमें इन्होंने अपनी रैंक में ये लोग पीछे हो गए हैं। इस पे नंबर 1 पे दोस्तों जो है फर्स्ट रैंक जिस है फिनलैंड की, ठीक है, और नंबर 2 पे आता है आपका स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व। ऑप्शन हमारे पास है 10 फरवरी, 21 फरवरी, 3 मार्च और 18 मार्च। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 21 फरवरी को मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं दोस्तों। 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसका जो विषय है, इसका जो थीम है वो है बिना सीमाओं वाली भाषा, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये किसके द्वारा कराया जाता है दोस्तों, ये कराया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा कराया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी फरवरी 2000 में, मतलब कि 21 फरवरी 2000 से इसकी शुरुआत हुई है, इस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन SPMRM के शुभारंभ की 4थी वर्षगांठ कब मनाई गई, द 4th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन SPMRM वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 21 फरवरी, 22 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 21 फरवरी को मनाया जाता है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन की जो थी ये 4थी वर्षगांठ थी। ठीक है, तो ये क्यों मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों 21 फरवरी 2016 को इसको शुरू करा गया था और 21 फरवरी 2020 में इसने 4 साल पूरे कर लिए हैं। जो ये रू अर्बन मिशन है इसका क्या मतलब है दोस्तों, रू अर्बन रूरल और अर्बन ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पे कई शहरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएं और उनका अच्छा डेवलपमेंट हो पाए, उनका अच्छा ग्रोथ हो पाए, इसके लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया था कब, 21 फरवरी 2016 को। ठीक है, मतलब कि रूरल एरियाज को थोड़ा सा अर्बनाइज करना, थोड़ा सा उनको मॉडर्नाइज करना, आधुनिकरण उनका करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS COP 13 में किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया था, विच स्पीशीज वर डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज एट द CMS COP 13। CMS COP 13 की हम काफी बात कभी कर चुके हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसकी पूरे डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस हमारे पास है एशियाई हाथी, इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये तीनों जो प्रजातियां हैं, एशियन एलिफेंट, इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, इन तीनों को ही लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति, मतलब एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस पे जितने भी 130 मेंबर्स थे उन्होंने अपनी सहमति जताई है। ठीक है, तो इन तीनों का आप नाम याद रख लीजिएगा कि तीन ऐसी स्पीशीज हैं जिनको एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में 3,350 टन गोल्ड माइन मिला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपकी एकदम लेटेस्ट न्यूज है, अगर आप आज अपना अखबार उठाएंगे तो आपको ये न्यूज जरूर मिलेगी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पे मिला है, ऑप्शंस हमारे पास हैं कर्नाटका,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के दोस्तों सोनभद्र जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां पे मिला है। कितना मिला है दोस्तों? 3,350 टन। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मात्रा है, मतलब कि ये हमारा जो नेशनल गोल्ड रिजर्व है उससे 5 गुना ज्यादा है। मतलब हमारा गोल्ड रिजर्व है दोस्तों 600 से 650 टन के बीच, और जो ये हमको ये गोल्ड रिजर्व, जो ये नई गोल्ड माइन मिली है, ये इसमें जो सोने की मात्रा बताई जा रही है वो बताई जा रही है करीब करीब 3,350 टन। और अगर इसको हम लोग पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो दोस्तों भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे आ जाएगा गोल्ड रिजर्व के मामले में। किसके पीछे रहेगा? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, USA के पीछे रहेगा गोल्ड रिजर्व के मामले में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये पॉसिबिलिटी है कि अब जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरह याद करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट वीडियो, ग्लोबल गोल्स 2030 के लिए सड़क सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 19 से 20 फरवरी से कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो उसका जो सही आंसर था, सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में एकदम सही आंसर दिया था, स्टॉकहोम। और इसके साथ साथ मैंने ये पूछा था कि यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको भेजा गया है, तो इसका भी सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में एकदम सही आंसर दिया, नितिन गडकरी जी को भेजा गया था, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट सतत विकास लक्ष्यों SDG कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कौन करने वाला है? ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी संस्थाओं का नाम दे रखे हैं। इन संस्थाओं के नाम के साथ साथ दोस्तों आप मुझको बताइएगा कि जो भी इसका सही आंसर है तो उस संस्था का अध्यक्ष कौन है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इसको स्थापित कब किया गया था। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर टू वॉचिंग टूडेज वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम सेम प्लेस टुमारो। बाय बाय।